खेल के नियम। व्याकरण यंत्र खेल के नियम। बगैर खेलने वाले को दो नोट मतलब पॉइंट नोट मिलेंगे। इन दो नोटों का मतलब है दो बार, एक नोट पर एक बार यंत्र चलाने का मौका मिलेगा। उसमें जितने भी पर्ची नीचे गिरेगी वह सब उस खिलाड़ी को एक मिनट में याद करके सुनानी होगी। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपना दूसरा नोट मतलब पॉइंट नोट भी देना होगी। यदि ऐसा वह कर पाता है तो उसको एक नोट वापस मिल जाएगा। इस तरह उसके पास दो बारी और बन जाएंगी। हर और अगर वो नहीं कर पाया वह आगे नहीं खेल पाएगा और उसके पॉइंट शून्य हो जाएंगे। अंत में ज़्यादा पॉइंट वाला खिलाड़ी जीतेगा। सबसे पहले हम इसमें पैसे डालेंगे मतलब पॉइंट नोट। अब आपके पास दो नोट आए, अब आपको इन दोनों को एक मिनट में याद करके मुझे सुनाना है। अगर आप ये सुना लिया तो आपको ये पैसे फिर से मिल जाएंगे। शाबाश, आपने मुझे दोनों सुना दिए वो भी एक मिनट में, इसलिए मैं आपको आपके पॉइंट्स मतलब पॉइंट नोट पे वापस करती हूँ। अब आपके पास दो नोट हो गए मतलब दो बारी आपके पास आ गई है, सो आप फिर से खेल सकती हो और आपका एक पॉइंट ऐड भी हो गया है। क्या आप फिर से खेलना चाहते हैं? हाँ। धन्यवाद। ओ नो, आपके पास तीन पर्ची आई है। देखो और मुझे सुनाओ। बच गए। देखते हैं आपके। ओ वाओ, आपके पास बच गए आ गए। इसका मतलब आपको एक पॉइंट मिलता है और साथ ही साथ में बचने की वजह से एक और पॉइंट। इस तरह आप और भी खेल सकते हैं। जितने आपके पास खेलते रहोगे और आप जीतते रहोगे उतने वन पॉइंट आपको मिल जाएंगे। और लास्ट वक्त आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो गए तो आप जीत जाओगे। आशा है आपको मेरा यंत्र पसंद आया होगा। मैं